से जानते हैं पहले कैप्टन आतिफ, आपको ये परफॉर्मेंस कैसा लगा? शायद वो हाई नोट्स जो हैं वो एक एपिसोड में दो एपिसोड में चल जाते हैं, बट नॉट इन एवरी एपिसोड. एंड आई वुड से कि उसका पीछे से गाना कंसिस्टेंटली चलते हुए सुर में आना और लय को फॉलो करना, और आपको ब्रीदिंग के इश्यूज भी हो रहे थे बीच में, तो वो चीजें जो हैं वो अब तक मुझे लगता था कि काफी कुछ सीख जाना चाहिए अगर इसको मद्देनजर रखा जाए. बहुत हैरानगी होगी मुझे कि अगर आपको 10 मार्क्स भी मिलेंगे जजेस से. कैप्टन हिमेश जी, डू यू एग्री कैप्टन आतिफ ने अब जो कुछ भी कहा? आई डोंट एग्री एट ऑल. अमन, यू हैव संग इट ब्यूटीफुली. यू आर अ वेरी गुड सिंगर. कमाल के गायक हो तुम यार. बहुत अच्छा गाया, जबरदस्त है. आप म्यूजिक डायरेक्टर हैं, आपने इतने गाने गवाए हैं सिंगर से. जी जी, कुछ हाँ. तो ख्याल कीजिए. और मैं वही ख्याल करके कह रहा हूं कि बहुत कमाल का गाया तुमने, बहुत अच्छा गाया. ओके, और अच्छा गाओ फिर. और अच्छा गाना चाहिए तुम्हें, बिकॉज आई थिंक यही एक स्टैंडर्ड है म्यूजिक डायरेक्टर का. तो मेरे नजदीक अगर ये परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है तो फिर अल्लाह मालिक म्यूजिक डायरेक्शन का. ओके कैप्टन्स, थैंक यू. कैप्टन्स में डिसएग्रीमेंट है आपके परफॉर्मेंस के बारे में, और ये बहुत अहम परफॉर्मेंस है, इम्पोर्टेंट परफॉर्मेंस है टीम इंडिया के लिए. तो मार्क्स जान जाते हैं रिस्पेक्टेड जूरी से. सुर ताल और एक्सप्रेशन के जंग में ये परफॉर्मेंस 10 रहा या 0 रहा? रिस्पेक्टेड जूरी ने आपको 0 मार्क्स दिया है आज.